नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ। आज सकाळ रही किसी छोट बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर, तो चलतु आउ डेर न करी आज सकाळ किसी बड़ खबर उपर नजर पकाई नबा। देखंतु प्रथम खबर, प्रभाव देखैलन दाना धामरा पारादीप राजनगर वर्षा पवन आरंभ। प्रभाव देखैलन दाना बात्या प्रभाव रे उपकूल वर्षा आरंभ। धामरा पारादीप केन्द्रापड़ा झिपिझिप वर्षा आरंभ हो आकाश में कलाहांडिया मेघ घाटी रही। धामरा वर्षा सह पवन होता बेले पारादीप आकाश मेघाच्छन्न रही। केन्द्रापड़ा राजनगर भी वर्षा हो। सूचना अनुसार गुरुवार भीषण बात्यारे परिणत हो स्थलभाग छुई बदाना। आज रात पचीस सकाल मध्य भितरकनिका धामरा मध्य लैंडफल करें। लैंडफल बेले 110-120 जाए पवन बेग रही। 24-25 तारीख में बात्यार प्रभाव अधिक रहा। पारादीप ठार 520 और सगर द्वीप ठार 600 किमी दूर रही। बात्या घंटा प्रति 15 किमी बेगर गति कर विज्ञानी उमा शंकर दास सूचना देते। चलतु खबर अच्छी महिला कर्मचारी वर्षक 12 दिन अतिरिक्त सामयिक छुट्टी घोषणा। महिला कर्मचारी अतिरिक्त सामयिक छुट्टी 12 दिन को वृद्धि करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश देते। अतिरिक्त छुट्टी प्रचलित 10 दिन सामयिक छुट्टी और 5 दिन स्वतंत्र सामयिक छुट्टी सहित पाई। 12 दिन अतिरिक्त सामयिक छुट्टी सेने गोटे दिन लाभ करें। महिला मानक मासिक धर्म जनित कारण अतिरिक्त छुट्टी प्रदान कर सूचना योग्य जे अतिरिक्त सामयिक छुट्टी पूर्व 10 दिन मिलूला। देखु ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री सी जिनपिंग द्विपाक्षिक आलोचना आरंभ। गत 5 वर्ष मध्य रुषिया अनुषित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अवसर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग बुधवार से प्रथम द्विपाक्षिक बैठक करते। डेपसांग समेत अंचल और डेमोकज अंचल परस्पर पाट्रोलिंग अधिकार पुनरुद्धार करने को भारत चीन राजी होता बेले बैठक होपूर्व लदाख में प्रकृत नियंत्रण रेखा निकट में बिवाद समाधान प्रयास को दर्शाऊ। 2019 अक्टोबर मसने महाबलीपुरम एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में दुई नेता साक्षात करते जहाँ पूर्व लदाख में चीन अनुप्रवेश किसी मस पूर्व होता जहाँ एलएसी रे सामरिक बिवाद सृष्टि करता। चलतु खबर अच्छी माटी में मिशि धान गच बात्या चिंतार चाषी। जगत सिंहपुर जिले में बात्या कौन करेंगे चाषी एवं से चिंता घारी जिला चाषी कूल को। जिलार धान चाषी एवं आतंकित अवस्था एवं गरमा संक्रांति जान गचा बाहर यही समय वर्षा पवन हेले धान गच्छ शोपड़ शकर धान चाष मटी में मिशि बेसी भय घारी एरसमा अंचल चाषी को गड़ा पदमपुर गड़ हरिशपुर पंचायत बासीदा मुंडे हाथ दे बस। सहित देखु टोल फ्री नंबर जारी कला बीजेडी बात्या बेले निरविच्छिन्न भाव बुझे लोक समस्या। बात्या दाना बीजेडी प्रेस मीट लोक साई 2 हेल्पलाइन नंबर जारी कला बीजेडी। कॉल माध्यम से निरविच्छिन्न भाव लोक समस्या बुझापी शख भवन लोक रही असुविधा थोड़ा लोक मैंने 2-9-9-3-7-0-5-7-5-2-8-8-9-8-4-3-0-3-5-3-4 टोल फ्री नंबर कॉल कर समस्या जन पारे। लोक और प्रशासन को सहयोग करने को नवीन पटनायक आह्वान देते। समस्त कर्मी को मिलमिशी काम करने को निर्देश देते। चलते एक बड़ खबर देखु, उज्ज्वला योजना दीपावली भेटी देवे सरकार। हिताधिकारी शीघ्र करनीम उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन धारक निज निजर सिलिंडर भरी नि कारण दीपावली अवसर में हिताधिकारी को भेटी देवा जाऊँ सरकार। दिवाली अवसर में सरकार सीधा हिताधिकारी बैंक अकाउंट को उपहार पठाइबे। प्राय 1,56,962 हिताधिकारी यही अवसर में फायदा पाई। दीपावली पूर्व यही फायदा हासिल करें। उज्ज्वला हिताधिकारी प्रत्येक हिताधिकारी को यही उपहार प्रदान जानवा को मिली। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी को वार्षिक 2 थर निःशुल्क एलपीजी सिलिंडर जगाई दौरान सरकार। चलित वर्ष दीपावली अवसर में हिताधिकारी यही उपहार पाए। सहित देखु उच्च शिक्षा छात्र छात्री को मिली छात्रवृत्ति करतु आवेदन। छात्र छात्री खुशी खबर, यूजी पिजी वैषयिक वृत्तिगत पाठ्यक्रम पढ़ुआ ओडिया छात्र छात्री सुवर्ण सुजोग। 2024-25 शिक्षा वर्ष मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजनार आरंभ है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। यह छात्रवृत्ति पाइबा ऑनलाइन जरिया छात्र छात्री मैंने आवेदन करेंगे। छात्रवृत्ति छात्र छात्री स्वप्न को साकार करने दिगरे आर्थिक सहायता प्रदान कर। जोने यूजी पिजी वैषयिक वृत्तिगत पाठ्यक्रम पढ़ुते से मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना पाई। यही योजना मध्यम यूजी पढ़ुआ छात्र छात्री को वार्षिक 10,000 टंका जगह दिज्वर और वर्ग में 10,000 योग्य छात्र छात्री को यह योजन सामिल होदी। आप पिजी डिग्री पढ़ुते तेज आपको वार्षिक 15,000 टंका प्रदान किंतु केवल 5,000 छात्र छात्री यही वृत्तिर लाभ उठाक समर्थ हे। जो मैंने यार अफिशियाल विज्ञप्ति देखा चाहते स्कॉलरशिप.odisha.gov.in को जाने
देखिपारे। परवर्ती खबर देखते प्रकाश पेला युक्त दुई इंटरनाल प्रोजेक्ट और प्राक्टिकाल परीक्षा तारीख युक्त दुई छात्र छात्री बड़ खबर प्रकाश पेला इंटरनाल प्रोजेक्ट और प्राक्टिकाल परीक्षा तारीख बुधवार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ एने विज्ञप्ति प्रकाश पाई प्रकाश पाई विज्ञप्ति अनुसार इंटरनाल प्रोजेक्ट परीक्षा डिसेंबर 23 रु 30 तारीख पर्यंत अनुषित हम से प्राक्टिकाल परीक्षा 2025 जनवरी 2 रु 12 तारीख पर्यंत अनुषित हम से फेब्रुआरी 15 तारीख रु युक्त दुई वार्षिक परीक्षा अनुषित हम बोर्ड पक्ष घोषणा कर सारी सूचना था कि एथर युक्त दुई परीक्षा प्रश्नपत्र ढांचा बदली एणिकी 80 मार्क रु 24 मार्क रखिले पास इंग्राजी और मातृभाषार रचना को बाद दिया बेले आउ प्रश्नपत्र आसवन 10 मार्क विशिष्ट प्रश्न 2025 रे युक्त दुई परीक्षा देवा छात्र छात्री प्रश्नपत्र ढांचा बदलाव उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद नुआ ढांचा अनुजाई एणिकी वार्षिक परीक्षा में 100 नुहे बर परीक्षार्थी को 80 मार्क थ्योरी परीक्षा देवा पड़ से 24 मार्क रखिले जन परीक्षार्थी पास करेंगे नहले फेल बोली विवेचना करा जीवा बाकी 20 मार्क इंटरनल परीक्षा हम से परीक्षार्थी जेतक मार्क रखे मोट मार्क संजोग करा जीवा हेले थ्योरी मार्क सह मिसाई पास बोली गणा जीवा नाही ता सहित देखंतु बात्या दृष्टि रखी दुई दिन हाईकोर्ट बंद रत्या दाना को दृष्टि रखी हाईकोर्ट बंद रजी और 25 तारीख बंद रोर्ट यह बदल नवेम्बर 30 खोला रिसेम्बर 7 शनिवार खोला रोर्ट एने हाईकोर्ट रेजिस्ट्री पक्ष विज्ञप्ति जारी कर आज और 25 तारीख विभिन्न अनुष्ठान को बंद घोषणा कर सरकार संग्रहालय अभिलेखागार स्टेट लाइब्रेरी ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग अधीन विश्वविद्यालय रवींद्र मंडप भंजकला मंडप उत्कल मंडप बंद र ता सहित देखु नवीन पटनायक नवेदन प्रशासन को पूरा सहयोग करतु बात्या परिप्रेक्षी में विरोधी दल नेता नवीन पटनायक राज्यवासी उद्देश्य से एक बार्ता देते हैं बात्या आसुवा खबर पाई आम समस्ते चिंतित पूर्वर आम समस्ते मिसी सफलता सह अनेक बात्यार मुकबिला करे आमर एक प्रभावशाली विपर्य परिचालना नीति अच्छी तेणु आपण मानक मोर अनुरोध बात्या आपण मैंने भवित हूँ ना सजग रुंतु जीवन अमूल्य निरापद रुंतु बात्या मुकबिलार प्रशासन को पूरा सहयोग दियंतु नवीन सब निर्वाचित प्रतिनिधि मानक मोर अनुरोध आपण मैंने विपद समय लोकों सह रुंतु लोकं साय करूँ मोर दृढ़ विश्वास आम समस्ते एकाठी पूर्वपरि बात्या दानार सफल मुकबिला करपर आग खबर देखु आहर राज्य को जवाब पड़बन एसीबी खोल हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट एणिकी ओडिशा हम हार्ट ट्रांसप्लांट आहर राज्य को जवाब पड़बन कटक एसीबी खोल हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट हृदपिंड प्रतिरोपण क्षेत्र में राज्य सरकार बड़ पदक्षेप चेन्नईर एमजीएम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सह एमयू शाखर राज्य स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मालिंग उपस्थित एमयू स्वाक्षरित लोकसभा भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग सम्मेलन कक्ष में स्वाक्षरित एमयू कार्यक्रम में एमजीएम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य निर्देशक स्वास्थ्य विभाग अधिकारी एवं एसबी मेडिकल कॉलेज सीटीबीएस विभाग डाक्तर मैंने उपस्थित थे कटक एसबी मेडिकल कॉलेज सीटीबीएस हृदय रोग विभाग प्रतिष्ठा हम हार्ट ट्रांसप्लांट यूनिट परवर्ती खबर देखते हविष्यांकों स्वतंत्र व्यवस्था 2425 बंद रहीपे महाप्रभु दर्शन बात्या दाना आज रात 25 तारीख सकाल मध्य भितरकनिका भद्रक जिला धामरा मध्य उपकूल अतिक्रम कर संभावना थी पापा विभाग पक्ष आकलन करषण बात्यार रूप नहीं दाना लैंडफल करणिपा विभाग पवन रेग घंटा प्रति 100-120 किमी पर्यंत रहीपे संभाव्य बात्या आखिरे रखी पूरी हविष्यां स्वतंत्र व्यवस्था करी जिलापा गणमाम जरिया सूचना देखते खाद्य सामग्री महजूद या बेले जेनेटर व्यवस्था कर आवश्यक पड़े 2425 तारीख से महाप्रभु दर्शन बंद रहीपे चलत एक बड़ खबर देखते सोद्रा योजन संशोधन कैबिनेट बड़ निष्पत्ति संभाव्य बात्या दाना ओडिशा मुखिया आसुता बेले बुधवार लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य कैबिनेट एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुषित होता मुख्य सचिव मनोज आहुजा कार्यालय पक्ष जारी सूचना अनुसार यह बैठक में मोट 6 प्रस्ताव को मंजूरी मिली 2024-25 खरीफ विपणन वर्ष नुआ खाद्य और धान संग्रह नीति समेत सुद्रा गाइडलाइन संशोधन समृद्ध कृषक योजना कार्यान्वयन एयर कनेक्टिविटी पॉलिसी और जीएसटी आईन 2017 संशोधन अध्यादेश प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट मंजूरी देते राज्य कैबिनेट पारित प्रस्ताव में सुद्रा योजना संशोधन निष्पत्ति योजना बाद पड़ता 267,000 आवेदन सानी विचार निष्पत्ति न्यायाई बर्तमान पर्यंत 1,02,00,000 आवेदन आसी 60,00,000 आवेदनकारी टंका पाई सारी महिला आर्थिक भाव सशक्त करने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने योजन 5 वर्ष बजेट 55.825 कोटी टंकार व्यय बराद कर बर्तमान सुधा यह पोर्टाल 1 कोटी रु अधिक आवेदनकारी नाम पंजीकरण कर सारी मोट 2 पर्यायर 60,00,000 रु अधिक हिताधिकारी अनुमोदन कराई आगो खबर देखते क्विंटाल पिछा 3100 टंकार किणा जीव धान राज्य कैबिनेट बैठक में मिलला अनुमोदन
ଅନୁମୋଦନ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବ ଧାନ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। 4000ରୁ ଅଧିକ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ, ଜଣେ ଜଣେ ଅଫିସର ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ ରହିବେ। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ସିଏମ୍ସି ଚଢ଼ଉ। ଚଢ଼ଉ ପରେ ଛତ୍ର ବଜାରରେ କମିଲା ଆଳୁ ଦର। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଉପରେ ପଡିଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଏଥିସହ କଳା ବଜାରରେ ନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସିଏମ୍ସି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଏମ୍ସିର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଛତ୍ର ବଜାରରେ କମିଲା ଆଳୁ ଦର। ଯଦି ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତେବେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଥିଲେ ମହିଳା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସଦସ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଗଭୀର ଅପାତ। କାଲି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ ତେବେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଭଟିଣ୍ଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 5ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହି ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଟିମ୍ରେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପଞ୍ଜାବ ଭଟିଣ୍ଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି 5ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ରେ ମୋଟ 152 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ ହେବେ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର। ଏହି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ରେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ଉପକରଣ ସହ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କହିଲେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ଜରିମାନା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂକଟ ନେଇ ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଇ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ମାମଲାରେ କମ୍ ଜରିମାନା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏଭଳି କରି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି କୋର୍ଟକୁଟା ଜାଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଜବାବ ମଗାଯାଇଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ନାଗରିକତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। କୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ କୁଟା ଚାଲୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧା ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ 1098 ମାମଲାରୁ କେବଳ 483କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ହରିୟାଣା 498 ମାମଲାରୁ କେବଳ 93 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆଇନକୁ କଡ଼ା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନି ଓ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆମ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଟି ରହିଲି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି।